नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्टॉक फॉर ग्रोथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे TTML के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले समझ लो, मैं ना भी किसी भी तरह की बाय और सेल का सुझाव देता हूँ। आप जो भी करें अपनी सूझबूझ और समझदारी से करें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको देखना है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और आपको अच्छा लगे कि बात सही बता रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ा सकते हो और अपने कीमती वक्त जो दिया है वो भी आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी TTML का लोअर सर्किट शुरू हो जाएगा, अभी बहुत चल चुका, ये है वो है। सो दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। चलो मान लेते हैं कि भाई अभी ये दौड़ रहा है, 175 रुपये पहुँच गया, मतलब दुगना हो गया 90 रुपये से लेके, वो तो ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोग थोड़ा सुन सुन के जब हाई पे बाई कर लेते हैं कि भाई दौड़ रहा है, ले लो, तो कुछ लोग बाई कर लेते हैं। और जब गिरने लगता है तो लोग बोलते हैं ये अभी पूरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग लो पे बेच देते हैं, उसके बाद में वहीं से आगे चलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये मैंने TTML की साइट खुली हुई है, आप देखते रहे ना कि वो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, ये टाटा ग्रुप का है, टाटा सन्स ने बहुत बढ़िया निवेश किया हुआ है और लगातार पैसा डाल रहा है। प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी पहले से लेकर अभी तक उतनी ही है, उल्टा FII और म्यूचुअल फंड घुस गए हैं, जो मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया हुआ था। सो दोस्तों, अभी आपको सोचना है कि दूसरों का वीडियो देख देख के सही में स्टॉक बेच दे या क्या करें। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप होल्ड करो, बाय करो, सेल करो, आप अपनी जिम्मेदारी से कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो सोच है इस स्टॉक के बारे में, वो केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये सुपर एप आती है तब तक तो शायद होल्ड करना ही चाहिए। एक हफ्ता कम से कम देख लो क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई हमने 125-135 पे लिया, अभी दो दिन लो सर्किट लगा था तो भाई क्या था, अभी वापस वही रेट तो आ गया है, तो अभी क्या करें, 10% का तो मुनाफा मिल रहा है। ये वीडियो उनके लिए भी खास है कि जिसने अभी दो लोअर सर्किट पे बाई किया हुआ है। सो दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ सर्किट फिल्टर का। यदि मान लीजिए कि सोमवार को तो ये सर्किट फिल्टर नहीं चेंज होने वाला है, शायद मंगलवार से सर्किट फिल्टर चेंज हो गया या अगले हफ्ते कुछ होगा, तो ये स्टॉक आपके बेचने के बाद कहाँ जाके पहुँचेगा। कम से कम एक हफ्ता तो वेट कर ही लीजिए, मेरा ये मानना है। बाकी डिसीजन आपको लेना है। टाटा सन्स इतना निवेश करके ये TTML को खड़ा किया है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, SaaS पे काम कर रही है, नेट पे काम कर रही है, सर्विस दे रही है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। भाई 5G में भी आने वाला है और सुपर ऐप का भी काम करेगी। तो दोस्तों, आप मेरा कहने का मतलब ये कि मुझको इतना थोड़ा बुरा लगा कि शायद कई लोग अभी ये वीडियो देख देख के, चलो भाई सैटरडे संडे है, देखते हैं TTML की क्या न्यूज़ आई है, तो लोग वीडियो देख देख के बेच देंगे। फिर सोचे कि यार हमने थोड़ा एक साल वेट कर लिया होता, 6 महीने 2 महीने वेट कर लिया होता तो दोस्तों यहाँ से तो ये आगे ही बढ़ने वाला है। एक बात समझ लो कि अभी का जो रेट है, शायद लोअर सर्किट लगा, फिर भी इन फ्यूचर भविष्य में 6 महीने साल भर के बाद ये भागने ही वाला है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे उसका ये रिजल्ट डाउन आएगा, ये वापस गिरेगा, वो तो समझ सकते हैं कि डाउन आएगा क्योंकि डाउन ही आ रहा, लेकिन उसमें भी कटौती होती जा रही है। लेकिन अब सोचिए, ये सुपर ऐप का काम करने वाले उसका प्रॉफिट आएगा, 5G लॉन्च करने वाले उसका प्रॉफिट आएगा, एक क्लाउड बेस काम कर रहे, SaaS के ऊपर काम कर रहे, उसका प्रॉफिट आएगा, तो एक साल बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आप अपने दिमाग से ठंडे हिसाब से सोच के देखो कि आज जो 175 रुपये पे स्टॉक मिल रहा है, यदि आपने स्टॉक बेच दिया फिर ये 175 वाले शायद 1075 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो आप एक साल बाद का सोचें।
कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, यदि मान लो कि आपको बहुत डर लग रहा है, तो आपने थोड़ा भी बाई किया है प्रॉफिट में हो तो अपने कैपिटल मार्जिन निकाल लो, जो 200 और 290 के बीच में फंसे हुए उसका रेट आए तो वो भी अपना थोड़ा कैपिटल निकाल ले। लेकिन अभी 1 साल बाद का पिक्चर देखो, 1-1.5-2 साल बाद, तो ये स्टॉक कहाँ जाके खड़ा होगा, क्योंकि अभी कंपनी का बता रहे दोस्तों 2 साल पहले 2020 में उस वक्त ये स्टॉक बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा था, 1.85 रुपये से लेकर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये तक बहुत चला। 1 जनवरी 2021 को ये 8 रुपये में मिल रहा था। अब आप 1 साल निकाल दिया, अभी आप देख रहे कितना रेट है। इसी को आप अभी और थोड़ा और वक्त दे दो, 1 या 2 साल, फिर देखो ये स्टॉक कहाँ जाके रुकता है, क्योंकि जो जो प्रॉफिट आने वाला है उसके बाद में ये बोनस भी देगा, डिविडेंड भी देगा और भर भर के पैसे भी देगा। कोई भी बैंक की FD में उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको इस स्टॉक के होल्ड के बाद होगा 2 साल के बाद। आप खुद अपने दिमाग से सोच लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं केवल बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ भी सकती है, लेकिन आप लोगों ने ये स्टॉक अपने हिसाब से चॉइस करके अपना मेहनत का पैसा इस स्टॉक में लगाया है तो मेरे हिसाब से ये आपको पानी करके नहीं देगा, ये आपको मुनाफा करके ही देने वाला है। मेरे कहने का पूरा मतलब ये है, पूरी वीडियो का ध्येय ही है कि यदि आप पहले खरीदते सोचा था कि हम इसको रखेंगे, इतने वक्त तक रखेंगे, ये टारगेट पे निकलेंगे, तो दोस्तों आप बनी बनाई वीडियो और कुछ लोगों के कहने पे बेच देने के बाद आपको पछतावा ना हो, उसके लिए मैं वक्त निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी डिसीजन आपका होगा, बाय सेल और होल्ड आप अपने हिसाब से करना, मैं केवल अपनी राय रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा दुख हुआ कि यदि मान लो आप लोगों ने बहुत सारे, यदि आपकी जगह पे मैं होता 2-3 करोड़ का माल लेके बैठ जाता, यदि आपके पास 10,000 की पूंजी है, 10,000 लेके बैठे हो, आपने स्टॉक में निवेश किया है, 10,000 का टीटी में ले कर रखे हो और अभी डाउन हो जाएगा तो आपका भी धक धक होगा। लेकिन ठंडे दिमाग से सोच लो कि अभी 1 और 2 साल के बाद में क्या होगा, फिर जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इतने प्यार से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। आप प्यार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। जो आप इतना प्यार दे रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत आ रही है। और जो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ स्टॉक के बारे में, वो अच्छी तरह से समझते हैं और उसके दिमाग में बात बैठती है, क्योंकि वो सही स्टॉक चूज करके बैठे हैं, वो शेयर मार्केट को जानते हैं कि ये स्टॉक है और स्टॉक को कैसे बाई करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी थियरी है, स्ट्रेटेजी है, वो उन लोगों के दिमाग में सही बैठ रही है कि नहीं, ये बंदा जो बता रहा है वो 100% सही बता रहा है, तभी जाके वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि वक्त मिला तो आज और कल मैं आपको छोटे से स्टॉक बताऊंगा जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पे डाला हुआ नहीं है। मैं अपने रिसर्च के हिसाब से आपको बताऊंगा और आप खुद अपनी रिसर्च करके देख लेना। ये इन फ्यूचर बहुत बड़ा टारगेट देंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो बना के MPS इंपोर्टेड BCG में रेडर पे 3.5 रुपये से था, MPS इंपोर्टेड 15 पैसे से, और एक छोटा सा वीडियो भी डाला था कि मैंने 15-20 स्टॉक का एक छोटा सा लिस्ट दिखाया था केवल आपको डेमो के लिए, कि मैंने सेव करके रखा था और बाय किया था, सेल किया था। तो मैं जो स्ट्रेटेजी लेके चलता हूँ वो केवल आपको खरीदने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप उस हिसाब से स्टॉक को देखना शुरू करें। किसी के कहने पे, वीडियो देखने पे बाय और सेल मत करें, आप खुद अपने दिमाग से रिसर्च करके, क्योंकि जो अपने आप से निकलता है और दिल करता है कि चलो हमको बाय करना ही है, वो डिसीज़न सही होता है। सो दोस्तों, मेरे पूरा कहने का तात्पर्य जो था वो मैं कह चुका हूँ और अगेन बोल रहा हूँ, बाय सेल और होल्ड आप अपनी जिम्मेदारी से करें।
तो दोस्तों इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।